अबे यार ये क्या शापस हुए हुए हैं इन्होंने, वो चेक करो भाई। ये कौन पहनता है ये क्या बदतमीजी हुई है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। कोई पुराना दौर होता ना, कोई बादशाह अकबर के दौर का, उन्होंने इनके हाथ कटवा देने थे इन डिजाइनर्स के। अल्लाह फाड़ फिर वो, ये दे काम चेक कर, उसका मुंह भी हरा हुआ है। ये तो पता नहीं अपने सूट को करेलों के साथ रगड़ गया है, वो बल्कि मुंह को भी रगड़ गया है। एडा हरा सूट बेटा, तोते रगड़ गए हैं पूरे इलाके दे। सूट तो है ही, वो सूट का रंग मुंह को भी चढ़ गया है। एडा सस्ता सूट ले आया ना इन्हें, घर से पर्दे पाड़ के सवा लिया सूट। ओए मां सदके जाए ते प्यो काम ते जाए, पिछो मुंडा इस तरह का बन जाए। उसकी टांगे चेक करो, डॉक्टर को चेक करवाने वाली टांगे हैं और ये लोगों को चेक करवा रहे। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह चौके नानू, असी ते तेरे ही हैं। काम वाली मिलकी चार घर से सूट चोरी करने के बाद जी मलाला पुत्र मौज कर दी। भाई ये मलाला की सही तरह से तुम फैशन चेक कर लो, एडा चमकीला मलाला। मलाला तो उन अमीर रिश्तेदारों की तरह निकली है कि जो अमीर होने के बाद ना अपने गरीब रिश्तेदारों को बुलाना ही छोड़ देती है। वो तेरा बेड़ा तरजे ओए की हाल कीता ही ओए अपना। अस्तगफिरुल्लाह, फिटे मुंह भाई तेरा। ओ भाई साहब ये क्या बवासीर बना दिए हो, ओए डा शीश महल फैशन। वाह, अच्छा क्या सीन हो अगर इन सभी को ना धूप में खड़ा कर दिया जाए, ये तो लश्कारे मारेंगे उठे। इनका सूट तो आंखों को छुपेगा, ऊपर से सर पे ताज चेक करो, अगर किसी का लड़ाई हो ये तो इसी तरह टोंड मार के टेढ़ा पाड़ देते होंगे उनका। हाँ, उनके शूज जो है, शूज भी शीशे के हैं, पैंट भी शीशे की है, शर्ट भी शीशे की है, फ्रॉक भी शीशे की है, ताज भी शीशे के हैं। जाओ बात जो है, ओ ला फड़ा की कीता इन्हे अपने सूट नू। ओ ले भाई चेक करो वो बना कैसा है, कैसे है। अले वो किसी नॉर्मल सूट के ऊपर वो मेरे ख्याल से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया हुआ है और उसे तोड़ के उसे पहना दिया, बन गया फैशन्स। ऐसे लगता है कि तो चिकड़ में चढ़ेगा के आया बा, वो तो फैशन बना दिया। अजीब ही यार इनकी ना बोंगियां चलती होती हैं, कोई दुनिया के वक्रे बंगे ले रहे होते हैं। फैशन चेक करो, सारा तो वहां पे फर्श लपेट दिया है। इस तरह का फैशन करके बंदा घर पे आए और अम्मी वो कटापा लगाए ना कि बेटे यहो जे फैशन करो बाहर करने। ये आई थिंक ये फैशन, हाँ फैशन डिजाइनर है, ऑल है। उसने कहा बेटा घर का फैशन बन गया। ओ, आग लग गई गलती से और फैशन बन गया। कर क्या हुआ? ओ, गलत बना। ओ भाई साहब वो भी फैशन बन गया है, मतलब फैशन इनका ना कोई ना, जो भी फैशन ये तैयार करते हैं ना उसके लिए पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि इस तरह का फैशन बनाना है। या तो ये बच्चों के हाथों में ना पेंसिल पकड़ा देते हैं, वो काचे मीचे मारते रहते हैं, वो जिस तरह का भी फैशन बन जाता है ना वो उठा कर किसी बंदे को पहना देते हैं। या वो गली मोहल्ले में आवाज नहीं लगाते होते अपने पाटे पुराने कपड़े बेच लोहे लैलन बेच, उनके जो भींगे चिब्बे कपड़े आते हैं ना वो सारे इकट्ठे करके ना उसको सीने सूने मार के वो इन्हें पहना देते हैं। अब ये चेक करो इनके गुत्ते, चेक करो ये किधर नु जान दी हैं, वो ड्रिल मशीन लग रही है वो पत्थर में मोरियां करने वाली। और कपड़ों का तो चेक करो, अकी चौके अपने नाल ला लिया। वाह
ऊपर से तो मेरे ख्याल से सराहने गद्दियां मेरे ख्याल अपने ऊपर लगाई हैं, और नीचे पता नहीं कौन से कोई गुंजल चमेड़ लिए। नहीं यार, ये कौन सा क्रिसमस ट्री वाला हेयर स्टाइल हुआ? गड्ढा गोल गोल घुमाया हुआ है, टोट मार के चाहे किसी का टेढ़ चीर दे। और रोको 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 भाई, रोको जरा है, अब बढ़िया की ये पहना गया है। इनके सारे सूट में सिर्फ मुझे शूज की समझ आ रही है। वो पीछे बैठा चाचा भी सोच रहा है कि मेनू अगर कि मौका मिले ना ऐसी पाम के कराया वा ना, ये पहना गया है। ओए शाबाश, ओ इसके बाद आ चेक करो, ओ जा चल जा यार इतो, वो पीछे भी चेक करो उन्हें की पाया ही। ओले भाड़ फेर, ओए आप ये चेक करो ओए, यार क्या बदतमीजी है, एक तो सूटों की नहीं समझ आ रही, बाद में ऊपर से हेयर स्टाइल भी उसी तरह के बनाए हुए। ये तो मेरे ख्याल से किसी के पेड़ों की सारी खाल खुल इकट्ठी करके ना उसके सारे वो बाल से उतार के ना अपने सर पे लगा लिए। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, ओ यार ओ चेक करो, ओ ये अब क्या चमेड़ी ला रही है, अब ये क्या है, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, मुझे दुनिया से छुट्टी चाहिए। ये चेक करो, वो घर में सोफे पड़े होते हैं ना उन पे इस तरह के डिजाइनिंग की होती है। अब ये देखो यार, ये पूरा कलियों का चमन पहन के आ गई है। वो घर के बाहर इस तरह का वो पौधा लगा होता है, नाम पता नहीं उसका क्या होता है, उस पे इस तरह के फूल लगे होते हैं, वो मेरे ख्याल से वही पहन है। ये गमला वो सर पे रखा हुआ है। एलियन जमीन पर, अबे मार दे गाड़ी इसमें, मार दे, ये कोई एलियन आ गया है दुनिया में। ओ ओ ओ बाकी भी है, वो इतने 16 मंजिली बूट पहने हुए, मार दे गाड़ी इसमें, ऐवें ये दुनिया में और कुछ बढ़ेंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे। देख भावे अपना गिट्टा कटवा लो, कड्डी उची हड्डी पाई। उन्होंने मेरे ख्याल से ना ये मेरे लिए उन्होंने कहा है, मैं कहता होता था कि यार इस तरह का फैशन कौन करके सड़कों पे फेर सकता है, वो फेर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर पाकिस्तान में इस तरह का फैशन करके कोई फेर रहा होता तो सारा हफ्ता हफ्ता बाहर ही निकलना था कि बाहर पता नहीं कोई चड़ेले आ गई है, सारे बाबों ने आगे वहां पे तवीत धागे करते होना था पूरे इलाके पे। ये क्या बवासीर बना दिए हो, पकाने जे पे हुए हाय। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये फैशन शो ऐसा कोई बवासीर का कैंसर है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक दो वीडियो मैंने बनाई थी ना, जब तो मुझे लगा था कि इस तरह की वीडियो ना मजीद बनाने का ना कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा, एक दो वीडियो ही होंगे। और वो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा है उससे भी मजीद बुरे वहां पे फैशन आई जा रहे हैं। अभी आगे जदीद दुनिया हो रही है, आगे आगे देखो होता है क्या। फर्स्ट हर हील ब्रोक, वो टूट गई। ओ ये क्या, वो ये शूज कैसे पहने हैं, ओ गई की कुछ टूटन बजन एंड में स्टेज टूट गया है। वो इतने नकारा फैशन किए हुए तुम्हारे फैशन सारे खिलर ते फिर रहे हैं। शाबाश, वो सभी को लग रहा था कि पेंटिंग है, वो उसमें से मुंह गुजार के आगे आगे ये चेक करो, वो पेंटिंग थी उसमें से मुंह निकाल के उसे वो पहन आई है, और बाकी ये सारे भी इसी तरह से आए होंगे, सारे चाहे वहां से कुर्सियां छोड़ के भाग गए होंगे, पता नहीं पेंटिंग जी चढ़ेल आ गई। तो सच लो तो मिली मित्रों से लिए, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है शदीदन आपकी भी आंखें ना मेरी तरह ना ये फैशन देखने के बाद घूम रही होंगी, ये क्या हो रहा है भाई दुनिया में, और आगे आगे चल के यार और क्या मजीद होगा। जानने के लिए देखते रहिए मिट्टी मिट्टी चैनल। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके भी लाजमी बताना, और अपने दोस्तों यार मोहब्बत से साथ भी लाजमी शेयर करना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया मोहब्बत को चाहते, आपको शुक्रिया पैर का, सर का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये आज की वीडियो आज मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।